कल जो पढ़ा था याद है? हाँ याद है। कल हमने क्या पढ़ा बताओ? इंटीजर्स में, इंटीजर्स में हमने प्रॉपर्टीज पढ़े, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी। एक मिनट मैं लिखता हूँ, रुको। एक तो पढ़ा हमने क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना? हाँ, क्लोजर प्रॉपर्टी। हाँ, फॉर फंक्शन, क्लोजर प्रॉपर्टी, और कौन सा प्रॉपर्टी पढ़ा? हाँ, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ा और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, एसोसिएटिव पढ़ा, ठीक है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हाँ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव क्या? आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा। हाँ, एडिटिव इनवर्स, यस, एडिटिव इनवर्स भी पढ़ा, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन, इनवर्स, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स, उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, तो अभी मैं ये सारा रब कर रहा हूँ, तुम्हें नोटबुक क्लोज करना है, फिर याद करके बताना है, ठीक है? बता पाओगे? हाँ ठीक है, हम एक एक करेंगे, ठीक है। निमिषा तुम भी बताना है, अनम्यूट करो निमिषा अपने आपको, हाँ ठीक है। मैं दोनों से पूछूंगा, अभी ध्रुव का नंबर है। अब हाँ? हमने पढ़ा था क्या, इंटीजर्स, है ना? हाँ, इंटीजर। हाँ, इंटीजर्स किसे कहते हैं, एग्जांपल्स क्या हुए, ध्रुव बताओ। होल नंबर्स, ओके, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम 0 to infinity, 0, 1, 2, 3, 4 इनफिनिटी। 0 to infinity, यस। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 to infinity, 1 to infinity, ठीक है। एंड इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स तो हो गया, लेकिन इंटीजर्स कहां से स्टार्ट होता है और कहां जाता है? 0 to infinity, 0 to infinity तो होल नंबर्स है ना? These are whole numbers, 0 to infinity. These are natural numbers from 1 to infinity, है ना? What are integers? बताओ, निमिषा। Integers start from minus infinity to plus infinity. To plus infinity. ठीक है, समझ में आया ध्रुव? Minus infinity से हमने start किया था, है ना? हाँ। ऐसे ही minus कुछ मतलब ऐसे आएगा point, समझ लो यहाँ पे 1 lakh है, फिर यहाँ पे minus 1 last में 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ पे ऐसे जाते जाते 1 lakh था, फिर यहाँ पे last में infinity. यानी सारे ही नंबर्स इसमें आ रहे हैं ना? तो अभी होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स भूल जाओ, अभी इंटीजर्स पे याद रखो, है ना? इंटीजर्स क्या होता है, मेन तो इंटीजर्स है ना? हाँ। तो अभी होल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स तुम्हें समझ में आ गया, उसको याद नहीं करना। हमारा चैप्टर क्या है, मेन चैप्टर का नेम है इंटीजर्स, है ना? ठीक है, तो इंटीजर्स पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है ना? पॉजिटिव इंटीजर क्या हुआ, जैसे 1, 2, 3 ये सब हुआ। नेगेटिव क्या हुआ, -1, -2, -3, ये सारे क्या हुआ, नेगेटिव इंटीजर्स हुए। इंक्लूडिंग एक हमारे इसमें जीरो भी आता है ना? हाँ, बीच में तक गया, ये हमारा इन्फिनिटी तक गया, ये कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना? यानी कि इंटीजर्स हमारा माइनस इन्फिनिटी से शुरू हुआ और जाते जाते यहाँ पे जीरो आया और फिर जाते जाते लास्ट में इन्फिनिटी तक आ गया, यानी सारे नंबर्स आते हैं इसमें इंटीजर्स में, है ना? अब ये बताओ मुझे, 1.2 जो है वो इंटीजर है कि नहीं? 1.2 नो, इट्स नॉट, वेरी गुड, 1.2 इंटीजर नहीं है, ठीक है। ये हमारा रैशनल नंबर बोल सकते हैं, इसको फ्रैक्शन बोल सकते हैं ना, बट इसको इंटीजर नहीं बोलेंगे, है ना? नो, तो इसको मैं अब क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे हमने एक पढ़ा था क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना? हमेशा बताओ क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? ऑफ एडिशन, यस, पहले एडिशन का बताओ। ए प्लस बी, when we do a plus b, where a and b both are integers, then the result will also be an integer. ठीक है ध्रुव, तुम बताओ क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या हुआ? b plus c, they both are integers, but the answer will come e, that is also an integer only. हाँ, तो इसमें बट नहीं लगाना ना, a plus b को अगर हम प्लस करेंगे तो c आएगा, जो कि इंटीजर है ना? हाँ. If two integers a and b are added together, the result will always be an integer, है ना? जैसे यानी example दे देंगे हम लोग, 1 plus 2 is equal to 3, है ना? Where 1, 2 are integers and 3 is also an integer, है ना?
ये हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। ओके, अगर आएगा क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इसको मैं कर देता हूं क्लियर, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब बताओ सब्ट्रैक्शन का ध्रुव, तुम बताओ सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा कि नहीं, या मैं क्या लिखूं, a माइनस बी यस इज इक्वल टू सी, हाँ सी, इफ a एंड b आर इंटीजर्स तो c इंटीजर होगा कि नहीं, यस इट विल बी एन इंटीजर, ओके, तो क्लोजर प्रॉपर्टी आल्सो होल्ड्स, है ना, ये याद है मतलब, है ना, ठीक है, इसको भी मैं क्लियर करता हूँ। और बताओ निमिषा, और क्या पढ़ा हमने, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ, हमने पढ़ा एसोसिएटिव लॉ पढ़ा था, क्लोजर प्रॉपर्टी हमने यही तो पढ़े, एडिशन सब्ट्रैक्शन या और भी था, और भी था, तो पहले क्लोजर प्रॉपर्टी पूरा पढ़ते हैं, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर, और क्या बच गया, मल्टीप्लिकेशन, हाँ वेरी गुड, मल्टीप्लिकेशन, है ना, मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें क्या लिखेंगे बताओ निमिषा, a into b where a and b both are integers and the result will be c that will also be an integer, हाँ ठीक है, a b c these all are integers, है ना, yeah integers, है ना, ये हो गया। इसके बाद क्या हुआ, क्लोजर प्रॉपर्टी हमने एक और पढ़ी थी, division, देखो हमारा एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन, हाँ डिवीजन, ठीक है, तो इसको मैं एक बार क्लियर करता हूँ, डिवीजन ले लेता हूँ यहाँ पर, तो डिवीजन में आप सोचो डिवीजन में ये होल्ड करेगा कि नहीं, a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू c, हाँ अगर हम a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू c लिखेंगे, a और b इंटीजर है, ठीक है, c हमारा इंटीजर हमेशा होगा क्या, नहीं नहीं होगा ना, निमिषा तुम बताओ, नहीं क्योंकि पॉइंट में आंसर आएगा, जैसे कि 1 बाई 2, यहाँ पे 1 और 2 दोनों इंटीजर है, इज इक्वल टू हमारा जो c आएगा वो क्या आएगा, 1 बाई 2 आएगा, या फिर हम लिखेंगे इसको 0.5, है ना, डिवाइड करेंगे अगर 1 को 2 से, यहाँ 0 आ गया, यहाँ पॉइंट आ गया, 2 5 जा 10, है ना, ये हमारा रैशनल नंबर है ना, 1 बाई 2, ये हमारा डेसिमल में है, मतलब इंटीजर तो नहीं आया हमारा आंसर, है ना, तो क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब हमारा एडिशन में होल्ड करेगा, सब्ट्रैक्शन में होल्ड करेगा, मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करेगा, बट इट विल नॉट होल्ड इन डिवीजन, ठीक है, ये क्लियर हो गया, ठीक है, और बताओ ध्रुव, और हमने क्या पढ़ा, ये तो क्लोजर हमारा खत्म हो गया, ठीक है, और क्या पढ़ा हमने, कौन सा प्रॉपर्टी पढ़ा, एसोसिएटिव आइडेंटिटी, एसोसिएटिव आइडेंटिटी पढ़ा था हमने, निमिषा एसोसिएटिव आइडेंटिटी पढ़ा था, एसोसिएटिव लॉ था, एसोसिएटिव लॉ या फिर प्रॉपर्टी, है ना, आइडेंटिटी नहीं, आइडेंटिटी नहीं था, आइडेंटिटी हमने पढ़ा था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना, एडिटिव आइडेंटिटी, है ना, देखो बताता हूँ, एक था हमारा एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी का मीनिंग क्या है बताओ ध्रुव, नहीं पता, मैंने बताया था ना आइडेंटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए ना, जब हम एडिशन करेंगे, एडिट, एक तो एडिशन करना है, दूसरा आइडेंटिटी शुड रिमेन, है ना, दो वर्ड है ना इसमें, एक तो देयर शुड बी एन एडिशन होना चाहिए उसमें, और एक आइडेंटिटी सेम रहना चाहिए, हमारा ए है प्लस हम क्या करेंगे कि आंसर हमारा फिर से ए ही आएगा, है ना, ए में हम क्या ऐड करेंगे कि आंसर शुड बी ए ओनली, वन वन ऐड करेंगे तो ए कैसे आएगा, फिर तो ए प्लस वन हो जाएगा ना, जीरो, हाँ जीरो, तो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी इज ऑलवेज जीरो, ठीक है, एक हमारा हो गया एडिटिव इनवर्स, ठीक है, एडिटिव इनवर्स, ठीक है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मींस ए प्लस व्हेन एडिटिव इनवर्स में ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए जीरो, ए में हम क्या लिख सकते हैं ऐड करेंगे जो कि जीरो आएगा हमारा आंसर, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक तो एडिटिव लिखा है एडिशन, इनवर्स मतलब एडिशन का इनवर्स यानी उल्टा, एडिशन का उल्टा क्या होता है सब्ट्रैक्शन, है ना, यानी यहाँ माइनस ए करेंगे, ठीक है, एडिटिव इनवर्स इज माइनस ए, है ना, ये याद रखना है तुम लोगों को, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी जब भी पूछेंगे यानी एडिशन होगा और आइडेंटिटी सेम होनी चाहिए, तो हम केवल जीरो को ऐड कर सकते हैं, है ना, तभी हमारा आइडेंटिटी रिमेन करेगा, एडिटिव इनवर्स में क्या होगा, हम अगर ए में उसका इनवर्स दैट इज माइनस ए अगर ऐड करेंगे तो आंसर जीरो आएगा, तो एडिटिव इनवर्स इज ऑलवेज माइनस ए, अगर टू है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा माइनस टू, वन है उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा माइनस वन, ठीक है, तो ये याद रखना है, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी हो गई, एडिटिव इनवर्स हो गई, और हमने क्या पढ़ा था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ा था, याद है,
निमिषा हाँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ा था हमने, हाँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये क्या होता है? When we multiply it with the any number, then the answer result will be that only, that identity. ध्रुव तुम्हें समझ में आया? हाँ, if we multiply any number, the answer would come on, the answer would come the same number. Okay, then what should be written here so that the answer is the same as this? यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा आंसर फिर से ए ही आएगा, ए को हम किससे मल्टीप्लाई करें सो दैट द आंसर इज ए ओनली? अगर टू इंटू है कुछ भी है, टू इंटू व्हाट विल बी इक्वल टू टू ओनली, टू इंटू हम क्या करेंगे कि आंसर टू ही आएगा, वन, तो सेम ही चीज तो है यहाँ पर भी, ए इंटू हम क्या करेंगे कि ए ही आएगा, ए इंटू ए, ए इंटू ए तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए इंटू वन करेंगे ना तभी तो आंसर ए आएगा ना, किसी भी नंबर को हम वन से करते हैं तो फिर वही नंबर आता है ना हमारा आंसर, जैसे थ्री इंटू वन करेंगे तो थ्री आएगा ना, मतलब हमें देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मीनिंग क्या है, मल्टीप्लाई करना है और आइडेंटिटी शुड रिमेन, यानी एक तो मल्टीप्लाई भी करेंगे उसको किसी नंबर से और आंसर हमारा सेम आना चाहिए, तो हमेशा वन ही आएगा है ना, आइए हमें मल्टीप्लाई करना है और आंसर सेम आना चाहिए जो पहले से था, तो पहले से हमारा क्वेश्चन में क्या था, ए था, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में ए कब आएगा, जब हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारा क्या हुआ वन, और हमेशा वन ही रहता है मल्टीप्लाई, ठीक है इसको याद रखो समझ गए, तो एक कॉपी में अलग से अब लिखो ठीक है, पहले तो हमेशा तुम भी लिखो ठीक है, अभी अलग से आज नया पेज समझ लो स्टार्ट करो ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में सारा लिखो इसको फिर रिमाइंड करना ठीक है, केवल एक तो लिखो क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे पहले ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन, ठीक है ये फर्स्ट पॉइंट है, एडिशन को टिक करो, सब्सट्रैक्शन को भी टिक करो, मल्टीप्लिकेशन को टिक करो, डिवीजन के पास क्रॉस कर दो ठीक है, इसका मतलब समझ में आ गया, क्लोजर प्रॉपर्टी हमारा एडिशन में एप्लीकेबल है, सब्सट्रैक्शन में भी होल्ड करेगा, मल्टीप्लिकेशन में भी होल्ड करेगा, डिवीजन में होल्ड नहीं करेगा है ना, और क्लोजर प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना है ए और बी लेना है हमें ठीक है, दो चीजें, उसके बाद उसको पहले ऐड करना है, जैसे ए और बी एडिशन में क्या होगा ए प्लस बी है ना, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा a माइनस बी है ना, और मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा a इंटू बी, डिविजन में क्या होगा a बाई बी है ना, नाउ a प्लस बी इज इक्वल टू c इज एन इंटीजर, a माइनस बी इज इक्वल टू c इज एन इंटीजर, a इंटू बी इज इक्वल टू c इज एन इंटीजर, a इंटू बी इज इक्वल टू c विच इज नॉट एन इंटीजर, c इज नॉट एन इंटीजर ठीक है, एक पेज में ये लिख लो ठीक है, ये पूरा क्लोजर प्रॉपर्टी किसे रिलेटेड है ठीक है सारा, निमिषा तुमने लिख लिया फर्स्ट पेज में, एक लिख लो कि एक जगह क्लोजर प्रॉपर्टी करके एक लिखो, ए हो गया एक, एक पॉइंट एडिशन हो गया, ए मत लिखो, एक फर्स्ट हो गया एडिशन ठीक है, सेकंड हो गया सब्ट्रैक्शन ठीक है, थर्ड हो गया मल्टीप्लिकेशन, ये शॉर्ट फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, एग्जाम के तुम्हें पहले दिन यही पढ़ना है केवल ठीक है, एक बार रिमाइंड करने के लिए ठीक है, फोर्थ पॉइंट हो गया डिविजन ठीक है, एक पेज हो गया हमारा क्लोजर का ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ठीक है, ये एक पेज खत्म हो गया ठीक है, सबका एग्जांपल दे सकते हो, ए प्लस बी इक्वल टू सी लिखा है वहां पे 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 लिख दो, जहां ए माइनस बी इक्वल टू सी है वहां पे 2 माइनस 1 कुछ भी लिख दो 1, ए इंटू बी भी लिख सकते हो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2, ए बाई बी इज इक्वल टू अगर 1 बाई 2 है तो इज इक्वल टू 1 बाई 2 आ जाएगा आंसर है ना, अब क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर जो डिवीजन है अगर हम लिखेंगे ये जो a बाई बी इज इक्वल टू सी है ठीक है, डिवीजन वाला मैं ऐसे बता रहा हूँ उसे लिखना नहीं, अगर हम ले रहे हैं 1 बाई 2 है ना ये तो रैशनल नंबर ही आएगा, लेकिन अगर हम 4 बाई 2 लेंगे इज इक्वल टू क्या 2 है ना निमिषा, हाँ अगर हम 4 बाई 2 इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं, 4 इज एन इंटीजर, हाँ 2 इज एन इंटीजर,
और इसका आंसर क्या है, टू, दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर. हाँ. तो हमारा यहाँ पर होल्ड तो कर रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर डिविजन, लेकिन वो हमेशा नहीं करता है. हाँ, तो इसका मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर डिविजन डज नॉट ऑलवेज होल्ड, मतलब कभी सही भी हो सकता है कभी नहीं भी हो सकता है ना. तो कभी हमारा रिजल्ट जो है वो इंटीजर आ भी सकता है कभी नहीं भी आ सकता, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर डिविजन डज नॉट ऑलवेज होल्ड है ना, हमेशा ही ट्रू नहीं है. ठीक है, ये हमारा पेज खत्म हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी का. ठीक है, नेक्स्ट पेज उसमें लिखो. एक लिखो एडिटिव इनवर्स, ठीक है, इसके ब्रैकेट में लिखो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, माइनस ए. ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये क्या होता है, वन बाई ए. ये क्या है, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, ठीक है, इज माइनस ए. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए इज वन बाई ए. ठीक है, ये हो गया. नाउ अगला लिखो एडिटिव, कंफ्यूज नहीं होना, एडिटिव इनवर्स मतलब उल्टा माइनस ए, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए इज जीरो. ठीक है, कोई भी नंबर हो एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा जीरो ही होगा है ना, इसको दिमाग में सोचना भी. एडिटिव आइडेंटिटी किसको कहते हैं, ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए, इसलिए जीरो इसका एडिटिव आइडेंटिटी हो गया. ठीक है, दूसरा क्या आ गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए इज क्या होगा बताओ ध्रुव, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मीनिंग मल्टीप्लाई करना है और आइडेंटिटी सेम होना चाहिए है ना. आंसर में हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर सेम आना चाहिए, किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि आंसर हमारा सेम आए, ए इंटू जीरो, तो फिर तो जीरो आ जाएगा आंसर. किसी भी नंबर को हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आंसर आएगा ना. हमें मल्टीप्लाई करना है जैसे कि टू को और आंसर टू आना चाहिए, कैसे आएगा, टू इंटू व्हाट विल बी टू, तो a into 1 is equal to a. हाँ, तो ये हो गया हमारा 1. ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया, मल्टीप्लाई आइडेंटिटी हमारा 1 हो गया. ठीक है, और क्या बचा बताओ, एडिटिव इनवर्स हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया, और क्या बच गया, जीरो कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सारे खत्म हो गए, इनवर्स खत्म हो गया है ना. अब मैं इसको क्लियर करता हूँ. ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया, अगला पेज में लिखो, एक फ्रेश पेज निकालो. अब लिखो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, और सब में वही रहेगा जैसे क्लोजर में था, इसमें भी सारे आएंगे. पहले एक आएगा एडिशन है ना, फिर एक आएगा सब्ट्रैक्शन, फिर आएगा क्या मल्टीप्लिकेशन, और एक आ जाएगा क्या डिवीजन है ना. तो एडिशन में क्या होगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है निमिषा, इक्वल्स टू बी प्लस ए. हाँ, इज इक्वल टू बी प्लस ए है ना, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई. ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट फॉर एडिशन. फिर है सेकंड सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए. जैसे a प्लस बी है, b प्लस हो गया, a माइनस बी क्या हो जाएगा, b माइनस ए है ना. ये हमने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था हमने. हाँ. श्योर निमिषा. हाँ. नो, हमने पढ़ा था दिस इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए. ठीक है, इसको भी लिखो अच्छे से कॉपी में, फ्रेश पेज में लिखो तीनों चारों. हमने एग्जांपल भी लिया था, अगर हम यहाँ पर कोई भी एग्जांपल लो पहले माइंड में, ठीक है, तो अपने आप पता चल जाएगा इसका आंसर क्या है. अगर हम 4 माइनस 3 करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 3 माइनस 4 करते हैं, तो दोनों इक्वल है? No. नहीं है ना. तुम्हारे पास 4 मैंगोज हैं, कोई इसमें से 3 ले ले रहा है, एक के पास 3 मैंगोज हैं, उसमें से 4 ले ले रहा है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं ना. तो दिस इज नॉट इक्वल टू है ना, मींस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विल नॉट होल्ड इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन है ना.
मल्टीप्लीकेशन में a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए, दिस इज ट्रू, क्योंकि 1 इंटू 2 करेंगे या 2 इंटू 1 करेंगे बात एक ही है ना। नाउ डिवीजन, डिवीजन में a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a, क्या ट्री 2 है, ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं हो सकता ना ध्रुव, वन नो नो। और हम यहाँ पे अगर 2/1 लिखेंगे क्या दोनों इक्वल है? नहीं नहीं है ना, हाफ तो अलग चीज है, 2/1 तो अलग चीज हो गया है ना, तो मींस दिस इज नॉट इक्वल टू ए बाई बी इज नॉट इक्वल टू बी बाई ए है ना। तो एक पेज में ये फ्रेश सारा लिख लो कॉम्पिटेटिव का, ठीक है। पहला पेज में हमने लिखा किसका, क्लोजर का, फिर लिखा आइडेंटिटी इनवर्स का, फिर थर्ड पेज में क्या लिख रहे हैं हम लोग, कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी का है ना, फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। थर्ड पेज में इसको पूरा लिख लो, लिख लिया। लिख लिया दोनों ने, मैं क्लियर कर दूं? हाँ ओके। अब क्या बचा, कौन सी प्रॉपर्टी और है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव, ठीक है। अब बताओ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ पहले क्या होगा, एक तो होगा एडिशन है ना, तभी फिर से सेम ही आएगा ना, एडिशन फिर आ जाएगा सब्ट्रैक्शन है ना, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड क्या रहेगा, डिवीजन है ना। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड एंड देन ये हो गया फोर्थ है ना। अब देखते हैं एडिशन में हमेशा तीन चीजें लेनी है ना, ए प्लस बी प्लस सी, पहले दोनों को ब्रैकेट में डाल दो या बाद में किसी को डाल दो, इज इक्वल टू, जहां ब्रैकेट में डाला इस सब इधर वो नहीं होगा, इधर सेम नहीं होगा, इधर ए को हम बाहर कर देंगे, बी प्लस सी को ब्रैकेट में डाल देंगे है ना। तो अगर हम ऐसे प्लस करते हैं, ठीक है, तो क्या ये ऑलवेज होल्ड करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? नो निमिषा तुम बताओ। हाँ श्योर। हाँ अगर हम यहां पर ले रहे हैं 1 + 2, ठीक है, प्लस थ्री इज इक्वल टू 1 + 2 + 3, ये होल्ड करेगा? ये दोनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा बताओ, 1 + 2 + 3। हाँ 1 + 2 + 3 क्या होगा, सिक्स होगा है ना, और राइट हैंड साइड क्या होगा, 1 + 2 + 3 सिक्स ही होगा है ना। हाँ और अगर हम यहाँ पर एक मिनट, अगर यहाँ पे हम नेगेटिव ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे माइनस टू है ना, माइनस टू को नेगेटिव डिजिट ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 + 2, ठीक है, प्लस माइनस टू, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा, 1 + 2 3 - 2 इज 1 है ना, और यहाँ पे क्या आएगा, 1 + 0 दैट इज 1 है ना, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज होल्ड्स। तो यहाँ पे टिक करो ऐसे यहाँ पे, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के पास, ठीक है, इसे याद रहेगा, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन में देखो, ठीक है, -3 - c, ठीक है, a - b - c, ठीक है, इज इक्वल टू, वन सेकेंड, ब्रैकेट हमें डालना है ना पहले ही, यहां पे डाल देते हैं, a - b - c इज इक्वल टू a - b - c, क्या ये ट्रू है, विल इट होल्ड? बताओ निमिषा। नो। हाउ? बिकॉज If we are going to take any example, then it will not come correct. 2 - 4 - 2. ठीक है, is equal to, यहाँ पे क्या होगा? 2 - 4 - 2. है ना? हाँ. यहाँ पे क्या है? 2 - यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा. हाँ. क्या हो जाएगा? 2 - 4 क्या उतना कितना होता है? -2. -2 और यहाँ पे फिर से आ जाएगा -2. तो इसका मतलब ये -4 आ गया है ना? हाँ.
जीरो इज नॉट इक्वल टू माइनस फोर, है ना, ऐसे एग्जाम्पल ले लिया करो, ठीक है। तो ये नॉट एप्लीकेबल, यानी कि यहाँ पर एक टिक कर दो और यहाँ पे क्रॉस कर दो, ठीक है, समझ गए, इससे याद रहेगा। अब क्या है, मल्टीप्लीकेशन है ना, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, यहाँ पर हम इसको ब्रैकेट डाल देते हैं किसी भी दो को और यहाँ पर इन दोनों को डाल देते हैं, ठीक है, ये हमारा होल्ड करेगा, करेगा ग्रुप, ये होल्ड करेगा मल्टीप्लीकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हाँ होल्ड करेगा, है ना, तो इसको टिक कर दो ऐसे, ठीक है। फिर क्या हमारा डिवीजन है ना, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, फर्स्ट लेट दिस बी इन ब्रैकेट एंड देन लेट दिस बी इन ब्रैकेट, ये होल्ड करेगा? नो निमिषा, नो कैसे, बताओ एग्जांपल दो। 4 डिवाइडेड बाय 2 ओके डिवाइडेड बाय 3, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, ये दोनों ब्रैकेट में चला जाएगा, है ना। तो जब भी एग्जांपल देते हो थोड़ा सिंपल लिया करो, जैसे 4 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो गया 2, फिर क्या हो गया 2 बाय 3, है ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, नहीं तो 4 2 और फिर हम 1 ले लेते तो और इजी हो जाता, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, है ना, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 अगर हम बाहर निकाल देंगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना, चलो कोई बात नहीं। तो 2 बाय 3 हम ऐसे लिखते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 2 सा इज इक्वल टू हो गया 6, तो इसकी वैल्यू 6 आ गई, इसकी वैल्यू 2 बाई 3 आ गई, है ना। तो हम थोड़ा सिंपल एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, जो हम इजली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया तो समझ नहीं पाएंगे, है ना, कभी कभी। फोर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 ले लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। अब यहाँ 4 डिवाइडेड 2 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 डिवाइडेड 1 2 आ गया, इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे भी 2 आ गया, है ना, ये तो हमारा होल्ड कर रहा है ना, लेकिन हमें और भी एग्जाम्पल लेना पड़ेगा फिर, तो हम ले लेते हैं जैसे और भी कुछ, अंडू 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हम ले लेते हैं 4, ठीक है, यहाँ पे भी ले लेते हैं हम 4, ठीक है, 2 डिवाइड बाई 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 4 और यहाँ क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2, है ना, नहीं सॉरी 4 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 बाई 4 यानी 1 बाई 2, है ना, 4 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 मीन्स 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, है ना, यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, 1 बाई 2, 2 1 जा 2 2 जा, है ना, यहाँ हाफ आ गया, तो यहाँ पर हाफ आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, अलग अलग आ रहा है वैल्यूज, है ना। तो इसमें हमने क्या देखा, डिवीजन में ऑलवेज होल्ड नहीं करेगा, है ना, कभी होल्ड कर भी सकता है, कभी नहीं भी कर सकता है ना, क्योंकि एक केस में तो होल्ड कर रहा था हमारा, है ना, तो डज नॉट ऑलवेज होल्ड, ठीक है, टिक भी कर सकते हो, क्रॉस भी कर सकते हो, है ना, यानी हमेशा होल्ड नहीं करता है, ठीक है, ये समझ में आ गया? हाँ हमेशा, हाँ ओके, इसको मैं क्लियर कर दूं? हाँ क्लियर ऑल ड्राइंग। और क्या पढ़ा था हमने, और कुछ याद है इंटीजर्स में? नहीं, एसोसिएटिव ही लास्ट था, एसोसिएटिव हो गया, कम्यूटेटिव हो ही गया, है ना। हाँ तो अब हमारा क्या बच गया, एक प्रॉपर्टी ऑफ जीरो था, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या होता है, किसी को भी हम जीरो से ऐड करते हैं तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम नंबर, ए प्लस जीरो करेंगे इट विल बी ए ओनली, अगर हम किसी को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से आंसर विल बी जीरो ओनली ऑलवेज, है ना, ये सारे प्रॉपर्टी ऑफ जीरो है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये सब तो लिख ही दिया हमने, ये भी हो गया है ना। अब चलो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ ना दोनों के लिए, ठीक है, जो भी करेगा पहले बताएगा नहीं, बस बोल देगा मेरा हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, -48 + 12 इसका क्या आंसर आएगा बताओ, डन डन रूप, तुम्हारा हुआ? हाँ हो गया, कितना आंसर आया?
माइनस सिक्सटी माइनस सिक्सटी सिक्स जीरो हाँ तुम्हारा क्या आया माइनस थर्टी सिक्स ओके राइट देखो माइनस 48 है पहले तो ठीक है प्लस 12 है ना फिर से ट्राई करो ध्रुव एक बार फिर से माइनस 36 आता है तुम्हारा आंसर हाँ हाँ आया आया एक मिनट कैसे आया बताओ कैसे किया पहले माइनस 48 प्लस 12 इज इक्वल टू 48 और प्लस प्लस 12 करेंगे तो फिर नहीं, बड़ा 48 प्लस 12 नहीं करेंगे देखो सबसे पहले तुम्हें साइन लिखना है ठीक है कल मैंने बताया था एक तो ये साइन है यहाँ पर क्या है इसका साइन क्या है माइनस ठीक है इसका साइन क्या है प्लस है ठीक है अभी मैं पहले क्या लिखना है पहले साइन लिखना है ठीक है तो इसमें से बड़ा साइन किसका है बड़ा नंबर किसका है माइनस का या प्लस का माइनस तो हम यहाँ पे आंसर में हमेशा माइनस में आएगा हमारा आंसर ठीक है याद रखना एडिशन जब भी करते हैं ना तो जो भी बड़ा वैल्यू होता है उसका हम हमेशा साइन लिखते हैं आंसर में ठीक है तो साइन हमारा हो गया अब हमको क्या सोचना है अब हमें यहाँ पे लिखना है 48 और 12 के बीच में डिफरेंस कितना है ना तब भी हम क्योंकि यहाँ माइनस है ना डिफरेंस निकालना है तो तुम 48 माइनस 12 कर सकते हो या फिर 12 माइनस 48 कर सकते हो क्या आएगा 12 माइनस 48 हम कर सकते हैं नहीं कर सकते है ना तो 48 माइनस 12 करेंगे 8 माइनस 2 6 हो गया 4 माइनस 1 क्या हो गया 3 हो गया है ना तो 36 आंसर आ गया ठीक है तो हमने यहाँ पे 36 लिख दिया तो हमें पहले साइन सोचना है क्या आएगा ठीक है उसके बाद उसको माइनस करना है ठीक है मैं दूसरा क्वेश्चन दूं फोर्टीन माइनस सिक्सटी इक्वल टू व्हाट डन डन ध्रुव बताओ क्या आंसर आया 46 माइनस नहीं आया तुम्हारा नहीं क्योंकि बीच में कोई बड़ा साइन नंबर नहीं है ना नहीं पहले देखो ये नंबर जो है ये माइनस 60 है हाँ पहले का भी देखना है ना साइन 60 का साइन क्या है माइनस और 14 का साइन क्या है प्लस तो बड़ा नंबर कौन सा है इसमें से 60 माइनस 60 जो बड़ा नंबर है उसका साइन देखना है हमें आंसर में जो बड़ा नंबर है 60 है उसका साइन क्या है माइनस तुम्हारा आंसर में माइनस आना चाहिए हाँ यहां माइनस आ गया है ना अब करो इसके बाद क्या आएगा 460 माइनस 14 हाँ करो कितना आएगा 46 46 ओके निमिषा तुम्हारा आंसर सेम है हाँ ओके गुड अब मैं फिर से दे रहा हूं कुछ समझ में आया ध्रुव मैं फिर से दे रहा हूं ठीक है और क्वेश्चन अभी करो 20 माइनस 60 डन डन कितना आया ध्रुव बताओ माइनस 40 गुड ठीक है अभी और करो माइनस 60 प्लस 20 डन डन कितना आएगा ध्रुव बताओ माइनस 80 रॉन्ग निमिषा माइनस 40 ठीक है राइट देखो हमने ऊपर की चीज सेम लिखी है नीचे एक ही चीज है बस अलग ढंग से लिखा है ना यहाँ माइनस 60 था यहाँ पे माइनस 60 है यहाँ प्लस 20 था 20 इज ऐड गुजर प्लस 20 है ना यहाँ हमने प्लस 20 लिख दिया तो माइनस 60 और प्लस 20 में से कौन सा नंबर बड़ा है माइनस 60 है ना माइनस 60 बड़ा है तो ये जो माइनस है वो साइन आएगा ठीक है हाँ. अब हमें क्या लेना है डिफरेंस लेना है ना यहाँ पे माइनस साइन है ना अगर यहाँ पे प्लस रहेगा 60 प्लस 20 होता तो फिर हमारा 80 आएगा ना हाँ. हमें यहाँ माइनस करना है ना तो माइनस कैसे करेंगे 60 माइनस 20 40 मैं फिर से दिखाता हूँ हाँ 60 माइनस 20 है ना कितना आएगा 40 है ना तो हमारा आंसर क्या आएगा माइनस 40 तो एक भी माइनस है यानी कि हमें डिफरेंस करना है हमेशा ठीक है एडिशन नहीं करना है ठीक है अगर एक भी साइन नेगेटिव है तो हमें एडिशन नहीं करना समझ में आ गया मैं फिर से दे रहा हूँ और 20 प्लस 30
नहीं, माइनस 20 प्लस 30 माइनस 10 इक्वल टू, बताओ तीन डिजिट है इसमें। Done. Okay, ध्रुव को करने दो। मेरे को नहीं आया। है नहीं आया? देखो इसमें क्या करना है, पहले हमें माइनस 20 प्लस 30 कर दो, ठीक है? इसको ब्रैकेट डाल दो, कोई भी दो को पहले करना है, माइनस 20 प्लस 30 करना है, ठीक है? तो माइनस 20 और प्लस 30 में से कौन सा बड़ा है? 30 बड़ा है, 30 का साइन क्या है? प्लस, तो हमारा आंसर प्लस में आएगा, मतलब है ना। अब क्या है, 30 माइनस 20 करेंगे, 20 माइनस 30 तो कर नहीं सकते ना, 30 माइनस 20 क्या होगा? 10 होगा, ठीक है? और क्या बच गया, माइनस 10 है ना, इज इक्वल टू, जब भी तीन आएगा पहले हम दो को करेंगे उसके बाद लास्ट वाला ऐसे लिख देंगे, ठीक है? अब इसको, अब हमारा दो डिजिट बच गया, अब इनमें से कौन सा बड़ा है? 10 प्लस 10, प्लस 10 बड़ा है, हमारा आंसर प्लस में आएगा, ठीक है? अब हमें क्या करना है, 10 माइनस 10 है ना, 10 माइनस इज इक्वल टू क्या आ गया, 0, यहाँ क्या आंसर आएगा, 0 है ना, या फिर हम सीधे 0 लिख सकते हैं, प्लस 0 या फिर 0 है ना। निमिषा कितना आंसर आया तुम्हारा, 0, ठीक है? ये समझ में आया ध्रुव कैसे करना है? हाँ, मेरा भी सेम था, मैंने 30 और 10 को ब्रैकेट में ले लिया था। तो 30 को ब्रैकेट में लेने से कोई इशू नहीं है, 30 और 10 को अगर ब्रैकेट में ले लेंगे तो फिर क्या आएगा, पहले हम ब्रैकेट वाला करते हैं हमेशा, है ना। तो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस 20 आएगा प्लस 30 माइनस 10 कितना होता है, 30 माइनस 10 कितना होगा, 30 माइनस 10 20। अब इसको करो, प्लस 20 एंड माइनस 20 मींस 20 माइनस 20 है ना, प्लस 0 प्लस 0, तो ब्रैकेट में डालने से भी तो सेम ही आंसर आएगा, है ना। ठीक है, अब मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, 15 माइनस 4 प्लस 2 इक्वल टू, कितना आया बताओ, प्लस 9। ध्रुव कितना आया, प्लस 10 प्लस 10, हाँ फिर से चेक करो, नाइन 9 प्लस 9 प्लस 9। निमिषा तुम्हारा कितना आया, प्लस 9, ठीक है? अब देखो 15 माइनस 4 हम पहले करेंगे, है ना, 15 माइनस 4 प्लस 2 है ना, पहले हम किसी भी दो को करना है, 15 माइनस 4 कर लो, कितना होता है, 15 माइनस 4 कितना होगा निमिषा, हाँ 15 माइनस 4 11, फिर क्या बच गया, प्लस 2 है ना, इज इक्वल टू कितना आया, 9 कैसे आएगा, 11 प्लस 2 कभी 9 हो सकता है, पर हम लोग तो बोडमास रूल से करते हैं ना, बोडमास रूल में क्या है बताओ, पहले प्लस करते हैं, तो तुम पहले प्लस कर दो, 15 प्लस 2 पहले करेंगे है ना, फिर माइनस 4 करेंगे, यही ना बोडमास में, यही हुआ ना बेटा, 15 प्लस 2 कितना होगा, 17 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो गया, 13, क्यों कुछ गलत है, नहीं तो फिर से करो, देखो 15 माइनस 4 प्लस 2 इक्वल्स टू व्हाट,
डन डन कितना आया ध्रुव 13 तो पहले हमने क्या किया 15 प्लस 2 किया ठीक है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पहले 15 प्लस 2 कर लो ये तो इजी है माइनस 4 को ऐसे रहने दो इज इक्वल टू 17 माइनस 4 है ना 17 माइनस 4 इज 13 ठीक है क्लियर कर रहा हूं मैं अब दूसरा करो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 2 इक्वल्स टू व्हाट माइनस 8 निमिषा तुम्हारा कितना आया 0 चलो करते हैं ठीक है देखो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 2 यही है ना इज इक्वल टू पहले हम किसी भी दो को करेंगे पहले इन दोनों को करते हैं माइनस टू प्लस वन है माइनस टू प्लस वन में से कौन सा डिजिट बड़ा है टू बड़ा है कि वन बड़ा है टू तो टू बड़ा है तो उसका क्या है साइन माइनस है ना तो हम माइनस साइन लेंगे ठीक है एंड टू माइनस वन करेंगे कि वन माइनस टू करेंगे माइनस टू आएगा पहले ये सुनो बेटा माइनस टू प्लस वन हम कर रहे हैं ठीक है माइनस टू प्लस वन में से हमारा साइन कौन सा नंबर बड़ा है टू बड़ा है ना टू और वन में से पहले हम साइन सोच रहे हैं साइन कौन सा डालना है हमें साइन माइनस डालना है साइन तो माइनस ही आएगा ना जो नंबर बड़ा है उसी का साइन हम लेते हैं ना पहले अब टू माइनस वन करेंगे वन माइनस टू तो नहीं कर सकते ना टू माइनस वन ही करना पड़ेगा ना जो बड़ा है उससे छोटे को हम माइनस करते हैं तो टू माइनस वन कितना होगा वन होगा ठीक है और क्या बच गया माइनस थ्री प्लस टू बच गया ठीक है माइनस थ्री प्लस टू इज इक्वल टू अब इन दोनों को पहले कर दो यहाँ माइनस फोर वन बड़ा है कि थ्री बड़ा है थ्री बड़ा है थ्री का साइन माइनस है कोई भी ले लो साइन साइन माइनस ही आएगा है ना माइनस अब वन और थ्री है ठीक है इन दोनों को हम क्या करेंगे इन दोनों को हमें ऐड करना है ठीक है अगर इसमें कंफ्यूजन होता है तो इसको हम कैसे करेंगे बता रहा हूं देखो अब इसको हम क्या करेंगे यहां पर पॉजिटिव पहले लिख लो प्लस टू है टू को पहले लिख लो ठीक है माइनस वन माइनस थ्री ऐसे लिख सकते हैं ठीक है इज इक्वल टू टू माइनस वन कितना होगा क्या बचा माइनस थ्री है ना इज इक्वल टू अब देखो थ्री और वन में से कौन सा बड़ा है थ्री बड़ा है थ्री तो थ्री का साइन क्या है माइनस माइनस है ना अब वन माइनस थ्री करेंगे या थ्री माइनस वन करेंगे थ्री माइनस वन कितना होता है टू क्या आंसर आ गया माइनस अभी इसको फिर से कर सकते हो हाँ चलो फिर से करो फिर डन ओके वेट डन ध्रुव बताओ क्या आंसर आया माइनस टू अब बोलो कैसे करोगे जैसे इज इक्वल टू मैंने लिख दिया ठीक है इज इक्वल टू टू और वन को ब्रैकेट में लेंगे इन दोनों को ब्रैकेट में ले लिया है ना तो बड़े नंबर का साइन माइनस है तो माइनस माइनस और टू माइनस वन किया है ना हाँ टू माइनस वन है ना वन फिर क्या माइनस माइनस थ्री प्लस टू है ना इज इक्वल टू हाँ बड़े नंबर का साइन माइनस है ठीक है माइनस तो थ्री और टू को पहले करेंगे थ्री और टू को पहले करेंगे क्यों नहीं नहीं पहले वन थ्री और वन को करेंगे हाँ थ्री और वन को करेंगे इसलिए कंफ्यूज हो गए ना तुम इसमें क्या करना है बता रहा हूँ तुम्हें जब भी करना हो मैं फिर से बताऊँ ठीक है दोनों देखना जब भी ज्यादा नंबर्स होते हैं ठीक है अगर ज्यादा नंबर्स आएंगे तो हमें जो भी पॉजिटिव है उन सबको पहले ले लेना है ठीक है एक तो वन है और एक प्लस टू है ठीक है प्लस टू ये दोनों नंबर पॉजिटिव हैं इनको हमने पहले ले लिया ठीक है
अब जो नेगेटिव नंबर है उनको फिर लिख लेंगे, माइनस टू बच गया और माइनस थ्री बच गया, है ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना? Yes. तो अब इसको करो, अभी अब ये इजी हो गया, वन प्लस टू कितना होता है, थ्री, और क्या बच गया, माइनस टू माइनस थ्री, है ना, माइनस थ्री इज इक्वल टू थ्री माइनस टू कितना होता है, माइनस थ्री इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस साइन आएगा, और थ्री माइनस वन टू होता है, माइनस टू हो गया, माइनस टू, समझ में आ गया? हाँ. अब एक क्वेश्चन दूं, हाँ. ठीक है करो, माइनस वन प्लस फोर माइनस टू माइनस फोर इज इक्वल टू, इसका बताओ, डन बताओ ध्रुव कितना आंसर आया तुम्हारा, माइनस थ्री, वेरी गुड, निमिषा सेम, वेरी गुड, ठीक है अभी और देता हूं मैं, फोर माइनस टू प्लस वन माइनस फोर माइनस वन इक्वल्स, इसको करो, डन डन कितना आंसर आया ध्रुव, माइनस सिक्स, निमिषा तुम्हारा कितना आया, माइनस टू, माइनस टू, गुड। अब देखो इसको कैसे करना है, फिर से देखो यहाँ पे क्या है, ये पूरा हम ले रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, या ध्रुव एक बार फिर से ट्राई करो, नहीं आया, नहीं, ओके, पहले हम, मैंने क्या बोला था, पहले हम सारे पॉजिटिव लेंगे, इसमें पॉजिटिव कौन कौन सा है, फोर पॉजिटिव है ना, एक तो ये पॉजिटिव है, और क्या पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, प्लस वन, प्लस वन, ठीक है, और अब सारे माइनस हैं, अब ये ले लो माइनस टू, देन लेंगे माइनस फोर, देन क्या बच गया, माइनस वन, यही है ना, ठीक है, इज इक्वल टू, अब बताओ क्या होगा, फोर प्लस वन कितना होगा, फाइव, फाइव, माइनस टू माइनस फोर माइनस वन, है ना, इज इक्वल टू, फाइव माइनस टू कितना होगा, थ्री, माइनस फोर माइनस वन बच गया, है ना, इज इक्वल टू, थ्री माइनस फोर कितना होगा, वन, थ्री माइनस फोर वन होगा, या फोर माइनस थ्री वन होगा, फोर माइनस थ्री, तो हम तो थ्री माइनस फोर ले रहे हैं ना, थ्री माइनस फोर में कौन सा बड़ा नंबर है, फोर बड़ा है, फोर का साइन क्या है, माइनस, तो इसका आंसर हमेशा माइनस में आना चाहिए, है ना, और फोर माइनस थ्री कितना हुआ, वन हुआ ना, वन, तो यहाँ पे वन हो गया, ठीक है, मतलब थ्री माइनस फोर कितना हुआ, माइनस वन हुआ, है ना, समझ में आया ये, हाँ, है ना, थ्री माइनस फोर माइनस वन हो गया, और क्या बच गया, माइनस वन बच गया, है ना, इज इक्वल टू माइनस वन और माइनस वन, है ना, दो बार वन है, तो आंसर तो नेगेटिव में आएगा, और माइनस वन है, मतलब माइनस वन प्लस वन नहीं है, ये माइनस वन दो बार माइनस है ना, वन सेकेंड, हाँ, तो माइनस वन क्या होना चाहिए, टू, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, माइनस वन प्लस वन ऐसे लिख सकते हैं, तो जब हम बाहर निकालेंगे ब्रैकेट से तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यहाँ भी माइनस प्लस माइनस, है ना,
एक ही बात है, ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको, माइनस वन प्लस वन कॉमन करके माइनस को, है ना, इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस वन प्लस वन टू होता है, ये माइनस टू आ गया, समझ में आई ये चीज। और अगर डाउट हो रहा है तो इसमें हम एक और काम कर सकते हैं, अभी ये वाला मत करो ठीक है, इसको भूल जाओ। अभी यहाँ देखो, थ्री माइनस फोर माइनस वन इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थ्री माइनस वन माइनस फोर, है ना, थ्री लिखो, माइनस वन को इस तरफ कर दो, माइनस फोर को इस साइड कर दो, इज इक्वल टू क्या हो गया, थ्री माइनस वन कितना हुआ, टू हुआ, और क्या माइनस फोर बच गया, है ना, इज इक्वल टू, बड़ा कौन सा है, फोर है, फोर का साइन क्या है, माइनस, तो आंसर माइनस में आएगा, है ना। नाउ फोर माइनस टू कर सकते हैं ना, टू माइनस फोर तो नहीं करेंगे ना, फोर माइनस टू कितना हो गया, टू हो गया, है ना, हमने टू लिख दिया, समझ में। अगर हम इससे कंफ्यूजन हो रहा है तो दूसरे टेक्निक से भी यूज कर सकते हो, ठीक है, अभी फिर से तो करके देखो सेम क्वेश्चन को। माइनस टू आ गया, समझ में ये। हाँ अभी मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, माइनस फोर प्लस थ्री माइनस टू प्लस वन, ये बताओ के वेट। टू ओके, योर आंसर इज टू। निमिषा तुम्हारा आंसर क्या है? माइनस टू। माइनस टू। टू, चलो फिर से करते हैं, माइनस फोर प्लस थ्री माइनस टू प्लस वन, तो पहले हम क्या लिखेंगे, ध्रुव सारे पॉजिटिव वाले लिखेंगे, है ना, थ्री और वन को पहले लिख लेंगे, जो पहले पॉजिटिव वाले उनको पहले लिखेंगे, ठीक है, प्लस साइन वाले, मैंने कहा था ना पिछले बार, एक हम प्लस थ्री लिख देंगे, प्लस वन लिख देंगे, पहले लिख दो ठीक है, अरेंज कर दो सिस्टमैटिकली, और क्या बच गया, माइनस फोर और माइनस टू बच गया, ये भी लिख दो ठीक है, इज इक्वल टू प्लस थ्री एंड प्लस वन क्या हो गया, प्लस फोर, है ना, और क्या बच गया, माइनस फोर माइनस टू, ठीक है, इज इक्वल टू फोर माइनस फोर इज जीरो, माइनस टू इज इक्वल टू माइनस, समझ में आया कैसे करना है? हाँ। एक और ट्राई करो, माइनस फोर माइनस टू प्लस सेवन इक्वल टू, डन कितना आया ध्रुव? वन। निमिषा? वन। ओके राइट, ठीक है, इस टाइप का प्रैक्टिस करना ठीक है, मैं अब दूसरा मल्टीप्लिकेशन का दे रहा हूं। अब अगर मल्टीप्लिकेशन है, माइनस टू इंटू माइनस थ्री इंटू वन इंटू माइनस टू इक्वल टू व्हाट? Done.
कितना आया बताओ ध्रुव? 12. निमिषा? -12. ठीक है देखते हैं. -2 × -3 × 1 × -2. एक बार दोनों क्रॉस चेक करो, देखो किसका गलत है किसका सही है. -2 होगा या 12 होगा? चलो चेक करते हैं. देखो इज इक्वल टू, ठीक है पहले हम फर्स्ट दोनों को करेंगे -2 × -3. ठीक है तो जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस. प्लस होता है, यहाँ प्लस हो गया. एंड 2 × 3 कितना हो गया? 6 है ना. 6 और क्या लेफ्ट ओवर है? × 1 × -2 यही बच गया ना. इज इक्वल टू 6 × 1 कितना हो जाएगा? 6 इंटू क्या है? -2 है ना. इज इक्वल टू एंड मल्टीप्लीकेशन में प्लस माइनस क्या होता है? माइनस. माइनस 6 × 2 = 12. तो आंसर क्या आया? -12 है ना. फिर से दो एक. हाँ. 4 × −3 × −1 × 1 = what? इस बार भी 12. पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव. पॉजिटिव. ओके गुड, ये समझ में आ गया है ना. मल्टीप्लिकेशन तो समझ में आ गया है ना. अब एक क्वेश्चन लिख लो. सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 65. सम of two integers is 65 if one of them is -31. Find the other. ओके वेट. मेरे को नहीं आया. ठीक है चलो करते हैं. ठीक है निमिषा तुम्हारा आंसर कितना आया? 96. ठीक है देखो सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 65 है ना. दो इंटीजर का सम कितना है ध्रुव? 65. एक कितना है? एक -31 है ना. प्लस दो इंटीजर हो गए इज इक्वल टू कितना आना चाहिए हमारा आंसर? 65 है ना. है ना, यही है ना. दो इंटीजर्स का सम करने से आंसर 65 आता है. हमें ये वाला वैल्यू निकालना है ना. ये वाला वैल्यू नहीं पता है ना. तो हम इसको ले लेंगे लेट इट बी एक्स. ठीक है जो वैल्यू हमें नहीं पता है उसको हम क्या ले लेंगे? यहाँ पे एक्स रख लो. ठीक है समझ लो यहाँ पे एक्स है. ठीक है समझ में आ गया? इतना तो समझ में आ गया ना. ये स्टेटमेंट समझ में आया? ये हमने कैसे लिखा? सम ऑफ टू इंटीजर्स, दो इंटीजर है, इन दोनों का सम क्या है? 65 है ना. तो फर्स्ट इंटीजर -31 है, दूसरा इंटीजर क्या होगा? है ना, यही है. हाँ. अभी हमें एक्स की वैल्यू चाहिए. यस. तो एक्स की वैल्यू कैसे आएगी? अगर -31 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? +31 हो जाएगा. ये पता है? नहीं पता? हाँ, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड. तो हम x इज इक्वल टू 65 + 31 ऐसे लिख सकते हैं. इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 96. समझ में आया?
श्योर? यस। इसको फिर से करो खुद से। ठीक है, अभी मैं इसको चेंज कर रहा हूं, यहाँ प्लस 31 है। ठीक है निमिषा, तुम भी करो। इफ वन ऑफ देम इज प्लस 31, फाइंड द अदर नंबर। डन। ओके वेट, वेरी गुड। निमिषा कितना आया तुम्हारा? 34। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट माइनस 64 फ्रॉम जीरो, इसका आंसर बताओ। निमिषा कितना आंसर आया तुम्हारा? 64 दोनों का ये आंसर आया। बट इट इज नॉट डिफाइंड आई थिंक सो। व्हाट? इट इज नॉट डिफाइंड। व्हाई? सब्ट्रैक्ट माइनस 64 फ्रॉम जीरो, इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम, नीचे क्या लिखेंगे? जीरो माइनस माइनस 64। जीरो माइनस माइनस 64 है ना, ऐसे हाँ। ये हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया? जीरो प्लस 64 इज इक्वल टू क्या हो गया? 64। 64 ऐसे किया है? Yes. तो इट इज डिफाइंड है ना। अगर हमारा है सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 तो कैसे लिखेंगे? 1 माइनस 2 है ना, 1 माइनस माइनस 1 है ना। समझ में आ गया ये? हाँ। ओके अब दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, सब्ट्रैक्ट माइनस 56 फ्रॉम 144, ये करो। डन। कितना आया ध्रुव? 88। निमिषा तुम्हारा कितना आया? 170। ओके देखो सब्ट्रैक्ट क्या करना है हमें, माइनस 56 ठीक है फ्रॉम 144 मींस 144 माइनस माइनस 56। समझ में आया कैसे लिखना है ध्रुव? हाँ, माइनस 56 है ना, सब्ट्रैक्ट अगर बोला है तो पहले तो माइनस लिख देंगे। ठीक है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है? माइनस 56 को सब्ट्रैक्ट करना है। फ्रॉम किससे करना है? 144 से करना है ना। बस हो गया। ठीक है, तो समझ लो हम कैसे लिखते हैं। अगर हमारा है सब्ट्रैक्ट माइनस 76 फ्रॉम 34 तो कैसे लिखना है? सबसे पहले जब सब्ट्रैक्ट आता है इसको हम यहां नीचे सब्ट्रैक्ट लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या है माइनस 76 ये जो भी आता है इसको हम यहां पर लिख देंगे। फ्रॉम क्या है 34, इसको हम स्टार्टिंग में लिख देंगे। ठीक है, और ये ब्रैकेट में डाल देंगे। ठीक है, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा अब?
34 प्लस 76 है ना इज इक्वल टू 110 है ना, ठीक है। अब दूसरा करो, सब्ट्रैक्ट माइनस 12 फ्रॉम माइनस 14, ये करो। ओके वेट, डन। कितना आया? टू। तुम्हारा कितना आया निमिषा? माइनस टू। माइनस टू, गुड। देखो पहले क्या है, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे ध्रुव? माइनस 12। माइनस साइन लगाएंगे, सिस्टमेटिक करो, ठीक है, एकदम स्टेप वाइज। सब्ट्रैक्ट पहले लिखेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट का साइन माइनस हो गया, ठीक है। फिर हमारे बाद में जो आता है वो हम कहाँ लिखते हैं? सब्ट्रैक्ट माइनस 12, तो माइनस 12 यहाँ लिखते हैं राइट हैंड साइड में, ठीक है। फ्रॉम क्या है? माइनस 14, इसको हम कहाँ लिखते हैं? शुरू में, फ्रॉम के बाद बड़ा होना चाहिए ना, बड़ा जिससे हमें निकालना है, ठीक है। ये आ गया इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा? माइनस 14 माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। प्लस 12 हो गया इज इक्वल टू 14 और 12 में से कौन सा नंबर बड़ा है? हैं? 14 का साइन क्या है? माइनस। माइनस आ जाएगा एंड 14 माइनस 12 इज 2, है ना? समझ में आया? हाँ। फिर से करो एक बार इसी को, बताओ कैसे करेंगे। पहले मैंने, हम लोग क्या लिखते हैं, सब्ट्रैक्ट अगर ऐसे लिखा है हम कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे। यहाँ लगा दिया, ठीक है। फिर इसको कहाँ लिखेंगे? माइनस 12 को राइट हैंड साइड में। राइट, वेरी गुड। इसको कहाँ लिखेंगे? माइनस 14 को लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। ये हो गया इज इक्वल टू माइनस 14, माइनस माइनस इज प्लस, है ना, इज इक्वल टू, पहले माइनस साइन आ जाएगा, 14 माइनस 12 इज 2, है ना। ये हो गया, ठीक है, ओके। अब एक और करो, मैं एक और दे रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम माइनस 17, ये करो। Done. Okay, wait. Done. कितना आया ध्रुव? 29. निमिषा? माइनस 29. Okay. अब देखो पहले क्या है, सब्ट्रैक्ट, है ना, पहले हम क्या लिखेंगे बताओ ध्रुव? माइनस का साइन बीच में। माइनस, फिर 12 कहाँ लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्यों लिखेंगे जब अभी तक हम राइट साइड लिख रहे थे? तो राइट हैंड साइड में 12 है ना, पहले भी हम ऐसे ही कर रहे थे ना। फ्रॉम क्या है? माइनस 17, माइनस 17 कहाँ लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में। माइनस 17, ठीक है, तो माइनस 17 और माइनस 12 यही है ना, इज इक्वल टू, है ना, माइनस 17 और माइनस 12 है अब, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, अगर दोनों माइनस है, ठीक है, बड़ा नंबर का साइन पहले लिखेंगे। हाँ, अभी समझ लो पहले, जैसे माइनस 17 और माइनस 12 दोनों ही माइनस है ना इसमें, हाँ, तो मतलब कि माइनस 17 भी और माइनस 12 भी है, तो आंसर तो माइनस में आएगा। यस। और अगर दोनों सेम साइन होता है, ठीक है, आइदर इट इज प्लस और माइनस, जब भी सेम साइन होगा तो दोनों डिजिट प्लस होंगे दोनों नंबर, ठीक है। अगर सेम साइन है दोनों साइड तो हम दोनों को क्या करते हैं, हमेशा प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे। 17 प्लस 2 कितना होता है? 17 प्लस 12 29 ना? अगर ये प्लस 17 प्लस 12 है या फिर माइनस 17 माइनस 12 है, दोनों में इन दोनों नंबर को प्लस ही करेंगे, बस साइन हमारा डिफरेंट हो जाएगा। इसमें साइन माइनस आ जाएगा
इसमें साइन प्लस आ जाएगा, है ना, क्योंकि जो बड़ा नंबर है उसका साइन यहाँ पॉजिटिव है, इसमें जो बड़ा नंबर है उसका साइन यहाँ नेगेटिव है ना। जैसे हमारा माइनस 12 है और माइनस 13 है, ठीक है, बताओ इसको क्या करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, इज इक्वल टू हमारा साइन क्या आएगा, माइनस माइनस, और हम क्या करेंगे 12 और 13 को माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, प्लस प्लस करेंगे, है ना, 12 प्लस 13, इसको ब्रैकेट में कर दो ऐसे, ठीक है, ये ब्रैकेट में रहेगा, एक साथ प्लस कर देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस कितना हो गया, 12 और 13 कितना होता है 25, ठीक है। तो जब भी हमारे दोनों साइन सेम है ना, जैसे अगर प्लस 12 और प्लस 13 है तो क्या आएगा, आंसर प्लस में आएगा, है ना, और दोनों प्लस कर देंगे सीधा, क्योंकि तो दोनों साइन सेम है, 12 और 13 कितना हुआ 25, है ना, समझ में आ गया। हाँ। तो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जो भी डाउट है मुझे वैसे ही फोटो लेके भेज देना, ठीक है, उसका आंसर मिल गया था, हाँ मिल गया था, ओके। अब नेक्स्ट करो, माइनस 48 डिवाइडेड बाई 12, डन, ओके, वेट, ध्रुव आया इसका आंसर, हाँ क्या आया, फोर, ओनली फोर या माइनस फोर, माइनस फोर, माइनस फोर, माइनस क्यों आया बताओ, क्योंकि बड़े 48 में 48 बड़ा नंबर है और बड़े नंबर का साइन माइनस है। देखो इस डिवाइड के केस में नहीं है, वो प्लस और माइनस में था, डिवाइड के केस में क्या होता है, मल्टीप्लाई में क्या होता है, मल्टीप्लाई में माइनस प्लस माइनस होता है ना, हाँ। तो डिवाइड में भी माइनस प्लस माइनस ही होगा, जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 48 बाई 12 ऐसे लिख सकते हैं, है ना, इज इक्वल टू, अब साइन हमारा क्या है माइनस और यहाँ प्लस है ना नीचे, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है माइनस प्लस, मल्टीप्लीकेशन के केस में माइनस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस माइनस इंटू प्लस मल्टीप्लीकेशन में माइनस, माइनस होता है ना, माइनस प्लस अगर मल्टीप्लाई कर, जैसे माइनस 2 इंटू 3 है तो माइनस 6 होता है ना, माइनस प्लस माइनस हो जाता है ना, तो वैसे ही डिवाइड में भी होता है, जो मल्टीप्लाई में फॉर्मूला है माइनस प्लस का वैसे ही डिवाइड में भी है, अगर मल्टीप्लीकेशन में माइनस प्लस माइनस होता है तो इसमें भी माइनस प्लस माइनस ही आएगा लास्ट में, ठीक है आंसर, ठीक है, इसमें हमें बड़ा नहीं लिखना, बड़ा हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखना है, ठीक है, डिवीजन के केस में हमें क्या देखना है, बस माइनस और प्लस है तो मतलब माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस लिख दिया, ठीक है। अब 48 डिवाइड बाई 12 करना है ना, 48 बाई 12, 12 फोर ज़ा 48, है ना, उसका आंसर क्या आ गया माइनस 4, है ना, निमिषा यही आंसर आया था ना, हाँ ठीक है, आप करो दूसरा, 96 डिवाइडेड बाई, ठीक है, करो माइनस 12 कर दो, डन, ओके, वेट, एट, कितना आंसर है, एट, एट, निमिषा माइनस एट, माइनस एट, देखो यहाँ पे एक क्या है प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, प्लस माइनस क्या होता है मैंने बताया था, प्लस माइनस माइनस, तो फिर तुम्हारा आंसर एट क्यों आया, एट तो प्लस हो गया ना, ये माइनस साइन कहाँ गया, प्लस माइनस अगर माइनस होता है तो माइनस में आंसर आना चाहिए ना, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 96 डिवाइडेड बाय माइनस 12 है ना, इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस मीन्स माइनस, माइनस और 12 8 96, तो आंसर माइनस 8 में आएगा ना, आप करो माइनस 96 डिवाइडेड बाय माइनस 12, देखो इसको पहले हम क्या लिखेंगे, माइनस 96
डिवाइडेड बाय माइनस 12 है ना। अब मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। प्लस होता है, तो यहाँ भी आंसर प्लस में आएगा है ना। एंड 12 8 96 8, इसका मतलब 8 आ गया है ना। समझ में आया कैसे करना है? ठीक है, एक क्वेश्चन करो और दे रहा हूँ। माइनस 13 डिवाइडेड बाई माइनस 1 देन करो 26 डिवाइडेड बाई माइनस 13, ये दोनों बताओ। ओके वेट, फर्स्ट का आगे सेकंड का नहीं आया। फर्स्ट का कितना आया? ओके गुड। और सेकंड का 26 डिवाइडेड बाय क्या है? माइनस 13 है ना, तो आंसर का साइन क्या होगा? माइनस। माइनस गुड। एंड 26 बाय 13 है तो 13 टू जा 26 होता है। ठीक है देखो 13 इंटू 2, 3 टू जा 6, 2 वन जा 2, हो गया 26। ओके है ना, तो माइनस 2 हो गया इसका आंसर। तो इसके सारे प्रॉब्लम्स को फिर से रिवाइज करना, जितने भी क्वेश्चंस बुक में दिए उसको करना। ठीक है okay. अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रेश पेज खोलो, फ्रेश पेज में ऐसे लिखो फ्रैक्शंस लिखो ऊपर, इसके बाद एक एरो बनाओ, इसके नीचे ऐसे लिखो जैसे मैं बता रहा हूँ। एक लिखो यहाँ डेसिमल फ्रैक्शन, फिर लिखो वल्गर फ्रैक्शन, ठीक है, उसके बाद लिखो प्रॉपर फ्रैक्शन, इसके बाद लिखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, देन लिखो मिक्स्ड फ्रैक्शन, देन लिखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फिर लिखो लाइक फ्रैक्शन, देन लिखो अनलाइक फ्रैक्शन, ये सारा हमने कल पढ़ा था। तो अब बताओ डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? याद है? क्या होता है बताओ निमिषा? द नंबर द फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर आर 100,000। ऐसे नहीं बोलना, जिसमें डेनोमिनेटर इज आइदर 10 और मल्टीपल्स ऑफ 10। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शंस whose denominator is either 10 or multiples of it, the multiples of 10, ठीक है? जैसे कि a by 10, है ना? a by 100, ऐसे जो भी आएगा वो सारे किसमें आएंगे? Decimal fraction कहेंगे उनको, ठीक है? For example, 2 by 10, 3 by 100, 4 by 1000. हाँ, very good. तो जहाँ भी 10, 100, 1000 कुछ भी आए नीचे, उसको हम decimal fraction कहते हैं, ठीक है? क्योंकि इसको हम simplify जब भी करेंगे, जैसे 2 by 10 है तो क्या हो जाता है? 0.2 हो जाता है. 3 by 100 है, 0.03 लिख सकते हैं direct, है ना? मतलब बिना डेनोमिनेटर के सीधे हम नंबर को लिख सकते हैं, तो डेसिमल में आ जाता है इसका आंसर, इसलिए हम इसको डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसको बोलते हैं हम लोग?
मुझे पता है कैसे उसको बोलोगे, बोलो डिफाइन कर सकते हो? हाँ बताओ। द फ्रैक्शन व्हेन वी मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन विद द सेम नॉन जीरो नंबर द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी गेट द फ्रैक्शन व्हिच इज इक्विवेलेंट टू दैट वन। तुम बता सकते हो ध्रुव? वो विच इज द नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 8 एंड द आंसर इज गिवन इन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन विथ व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर, जैसे कि यहाँ पे a by b है, ठीक है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू a by b into, किसी भी नंबर से करो लेकिन दोनों को करना है, जैसे हमने किसी भी नंबर c से किया तो नीचे भी c से करेंगे, ठीक है। तो इधर a into c by b into c is a equivalent fraction of a by b, जैसे कि 2 by 3 है इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 2 by 3 तो ठीक है, into 2 into 2 भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 2 4, नीचे आ जाएगा 3 2 6, है ना, 4 by 6, दिस इज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2 by 3, है ना, ये समझ में आया। ऊपर और नीचे में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 1 by 2 है, उसका और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो सकता है? अगर 1 by 2 ले रहे हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा बताओ 1 by 2 का? 1 by 2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो सकता है? इज इक्वल टू 1/2 इनटू 2, किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 2 से कर सकते हैं, है ना, दोनों को, तो क्या आ जाएगा 2 by 4, है ना, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 1/2 का, है ना, समझ में आ गया? Yes. ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आएगा आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ, आइदर इट इज 1/2, 2/3, कुछ भी दे सकता है ना, तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, सेम नंबर से, और जो भी आता है वो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। किसी एक फ्रैक्शन का कितना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो सकता है बताएं? अनलिमिटेड, है ना, कितने किसी नंबर से करो दोनों को करना है बस, है ना, चाहे इंटू 100 by 100 कर दो, है ना, ये हो गया। वल्गर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? वल्गर fractions are the fraction whose denominator is other than the multiples of 10. हाँ, very good. अगर नीचे denominator 10 या उसका multiple नहीं है, that is called a vulgar fraction, है ना? जैसे 2/3 कुछ भी ले लो, नीचे 10 या उसका multiple नहीं होना चाहिए, ठीक है ध्रुव? Okay. ये हो गया vulgar fraction. Like fraction किसे कहते हैं? Where the denominators are same. हाँ, very good. Denominators अगर same है, that is called like fractions, ठीक है? Proper fraction किसे कहेंगे? Denominator is greater than the numerator. हाँ, very good. जैसे a by b है, तो a is greater or less than b? Greater. A is greater than b. निमिषा? हाँ. A is greater than b होगा या a is less than b होगा proper fraction में? A is b less will than be b. greater. ठीक है, a is less than b है ना, denominator is greater. तुमने बोला ना अभी ध्रुव कि denominator बड़ा होता है, इसका मतलब b ग्रेटर होगा ना b से, a से, हाँ. ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ठीक है, जिसमें ऊपर कम है, जैसे 1/2, 3/4, 5/6, इन सभी में क्या डिनोमिनेटर ज्यादा है ना, तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इम प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? a बाई बी वेयर ग्रेटर देन b, है ना, जैसे कि 4/2 है, इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 लिख सकते हैं ना, तो ये सब हो गए इम प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन Together with a whole number is known as mixed fraction. A fraction? Together with a whole number is known as mixed fraction. Okay, you can write like this, yes. ये हमारा क्या एक fraction है, ठीक है? और ये हमारा एक whole number है, together, है ना? Which is equal to a plus b by c, ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना? तो ये सारे लिख लिए तुमने? Arrows बना के इस पेज में? हाँ. है ना? मैं इसको clear कर दे रहा हूँ. ओके, नाउ मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसे है 2 1/4, इसको करो सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट, कैसे होगा? कल हमने किया था ना इस टाइप का, 2 2 4 है, कल हमने इसको किया था ना इस टाइप का, मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया था सिंपल फ्रैक्शन में, तो करो, डन, ओके, वेट करो, 1/2 कैसे करेंगे इसको? देखो 2 है और 1/4 है, तो जो भी तुम्हारा आंसर आएगा 2 से ऊपर ही आएगा, 2 और 1/4 मींस 2 तो है ही, है ना, प्लस 1/4 मतलब हमेशा तुम्हारा आंसर 2 से ज्यादा आएगा, ठीक है। इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं याद रखना, 2 प्लस 1/4, ठीक है, याद रहेगा, हाँ, इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा,
नीचे क्या आ जाएगा एलसीएम? फोर और वन का, हाँ एलसीएम फोर आएगा ना, वन और फोर का एलसीएम क्या होता है? फोर। अगर नहीं पता है तो देखो सीधे ये टू बाई वन है, हमेशा हमको इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है? वन इंटू फोर क्या होता है? फोर। तो नीचे फोर आ गया, ठीक है? अब ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, वन फोर सा फोर होता है, है ना, प्लस फोर वन सा होता है, तो ये वन इंटू वन हो जाएगा, है ना? इनको ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है, ऐसे ऐसे प्लस बीच में इज इक्वल टू टू फोर सा एट प्लस वन इंटू वन वन डिवाइडेड बाई फोर इज इक्वल टू क्या हो गया, नाइन बाई एट। समझ में आइए, देखो पूरा एक बार। निमिषा समझ में आइए? लेकिन जैसे मैंने किया वैसे तो 9/4 आ रहा है आंसर। एक मिनट फिर से रीचेक करते हैं। अच्छा यहाँ पे 4 था ना, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे ना 8 लिख दिया ना गलती से, ठीक है, इसीलिए गलत आ गया। एक मिनट, हमारा एलसीएम नीचे 4 है ना, यहाँ पर तो 4 ही रहेगा ना, है ना? अब ऊपर क्या आ गया, 8+1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 9/4, है ना, यही आंसर आया। ठीक है, अब मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, करो 3 1/7, इसका आंसर क्या आएगा? डन। और इसको एक और मेथड से हम कर सकते हैं, बट कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूजन होगा तो वही जो मैंने किया है ऐसे करना। इज इक्वल टू हम सीधा लिख सकते हैं 7 × 3 क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 7 × 3 = 21, फिर इसको प्लस कर देना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 21 + 1 कितना हो गया, 22, ठीक है, डिवाइडेड बाई 7, है ना, 1 3/2 है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2 + 3 कितना हो गया, 5 डिवाइडेड बाई 2, है ना, 7 1/3 है, ठीक है, इसका क्या होगा, 3 7 = 21 + 1 = 22/3, है ना, अगर 1 1/4 है इज इक्वल टू, तो यहाँ क्या करेंगे, 4 × 1 कितना होता है, 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5 5/4, ऐसे कर सकते हो हमेशा, हाँ, है ना, ठीक है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। यस, अब करो 4 1/3 इंटू 1 1/2 इक्वल्स टू व्हाट, ये करो, डन। ओके वेट, कितना आया थ्रू बताओ, 10। निमिषा कितना आया, 13/2 चलो चेक करते हैं। देखो ध्रुव बताना अभी क्या लिखना है मुझे, 4 1/3 × 1 1/2 है इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे बताओ, पहले इसको क्या लिखेंगे, 4 और 1/3 को क्या लिखेंगे, 4 नीचे लाइन लाके 3, हां नीचे 3 रहेगा, ऊपर क्या रहेगा, फोर। अभी हम केवल इसका लिख रहे हैं ना, केवल इसका बताओ, इसको हम पहले सिंपल फ्रैक्शन में कर रहे हैं ना, पहले मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको हमें सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, 4 3 = 12 + 1 = 13, है ना, इनटू इसको भी करो वैसे ही, 2 1 = 2 + 1 = 3/2, ऐसे ही होगा ना, ठीक है, इज इक्वल टू 13 × 3 करो,
या फिर ये 3/3 वन होता है, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 3 1 3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 13/2, ये आएगा ना। हाँ। ये कैंसिल करना आता है, 3 और 3 कैंसिल हो जाता है, पता है ना ये। हाँ हाँ। तो इसको आप फिर से करो, एक बार फिर से करके देखो सेम क्वेश्चन को। अब समझ में आ गया, निमिषा यही आया था। हाँ ठीक है, अब दूसरा करो। जैसे है 4 1/3 × 3 1/4, इसको करो। डन आया नहीं तो इसमें ये कुछ स्पेशल तो नहीं है, बताओ इसको क्या होगा फर्स्ट। इसको हम अगर सिंपलीफाई करेंगे तो इसको बताओ ये क्या आएगा, 4 1/3 क्या हो जाएगा, 13/3। हाँ 13/3 ठीक है, इनटू ये क्या आ जाएगा, 13/4। वेरी गुड, तो हो तो गया, इसमें तो और कुछ है नहीं, 13 × 13 करना है ऊपर, 13 × 13 करना है, यही ना। 3 3 9 3 1 3 3 1 3 1 1 9 6 and 1, ऊपर क्या आ गया 169 डिवाइडेड बाय 3 × 4 is 12, है ना, समझ में आई ये। हाँ एक्चुअली वो बट ये क्यों नहीं हुआ है, हाँ ये क्यों नहीं हो पाया तुमसे, वो बड़ा नंबर जा रहा था तो मुझे लगा कि कुछ रॉन्ग होगा। नहीं कुछ भी रॉन्ग, कॉन्फिडेंट रहना है, कुछ भी आएगा उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना हम लोग, 13 × 13 तो हम कर सकते हैं ना ऐसे, है ना। तो जब भी ऐसा आएगा तो सीधे मल्टीप्लाई कर देना और सीधे यहाँ पे आंसर लिख देना, ठीक है। ओके इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, अब करो सिंप्लीफाई। 169 / 13 मतलब इसको ऊपर नीचे डायरेक्ट डिवाइड करना है, नहीं सीधे डिवाइड करके देख लो, डिवाइड कर सकते हो ऐसे, इजी है ना, ऐसे डिवाइड कर लो 169 / 13 ऐसे करके देख लो आराम से, ऐसे भी कर सकते हो ना, 13 169 / 13, 13 का टेबल नहीं आता है, 13 का टेबल यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लो, 13 1 13 2, है ना, देखो 13 1 13 यहाँ लगेगा, है ना, क्योंकि 13 2 क्या हो जाएगा, 3 2 6 2 1 2 26 हो रहा है, 16 ज्यादा हो गया, यहाँ देखो ध्रुव, देखो 13 2 26 होता है ना, 16 से ज्यादा हो जाएगा तो हम नहीं कर सकते, 13 1 करना पड़ेगा, 13 1 13 आ गया, यहाँ माइनस करेंगे कितना आ जाएगा नीचे, 16 - 13 3, है ना, 39 के नीचे आ गया, 13 3 39 होता है, और नहीं तो यहाँ चेक कर सकते हो, ठीक है। देखो 13 × 3 करके देख लो, 3 3 9 3 1 3, है ना, तो ऐसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देखना पड़ेगा, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है तो, है ना। एक और दे रहा हूं मैं, सिंप्लीफाई 48/14, इसको करो।
डन ओके वेट कितना यार निमिषा बताओ 24/7 ध्रुव तुम्हारा देखो ये आ रहा है मेरा सिंपलीफाई नहीं हो रहा है देखो 48/14 है ठीक है तो यहाँ पर कोई किस कौन किसी कॉमन से हम कट कर सकते हैं टू से दोनों कट जाएगा हाँ। 14 को टू से कर सकते हैं 2 7 14 होता है हाँ। और 48 में क्या करेंगे 2 2 4 2 4 8 24 से कट जाएगा ऊपर इज इक्वल टू क्या आ गया 24/7 समझ में आया ऐसे कर सकते हो ऐसे पहले किया तुमने कभी हाँ किया ठीक है अब अगर तुम्हारा है 48/ अगर है मान लो 10 ले लो इसको करो सिंप्लीफाई 48/10 को डन कितना आया 24/5 हाँ गुड मतलब ये समझ में आ गया हाँ ठीक है इसको मैं क्लियर कर देता हूँ नाउ लिखो व्हाट शुड बी एडेड What should be added to 15 2/3 to get 18 5/6? समझ में आ रहा है हाँ. तो देखो इसमें हम क्या लिखेंगे व्हाट शुड बी एडेड टू 15 2/3 टू गेट 18 5/6 ऐसे है ना देखो हमें यहाँ पे कुछ ऐड करना है किसमें 15 2/3 में है ना ठीक है निमिषा कितना आंसर आया तुम्हारा बताओ 19/6 ओके लेट अस चेक व्हाट शुड बी एडेड टू 15 2/3 टू गेट 18 5/6 ठीक है ध्रुव ये समझ में आया स्टेटमेंट हाँ तो हम इसको क्या ले लेंगे लेट इट बी एक्स ठीक है लेट इट बी एक्स तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 5/6 ये इस तरफ जाएगा कितना हो जाएगा माइनस 15 2/3 है ना इस पूरे को हम इधर लेके चले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा ये पता है हाँ है ना इज इक्वल टू अब 18 5/6 को हम सिंपलीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 इंटू 6 प्लस 5 है ना या फिर हम क्या लिख सकते हैं 18 प्लस 5/6 ऐसे भी लिख सकते हैं है ना माइनस 15 और यहाँ क्या था यहाँ ब्रैकेट में ना 15 प्लस 2/3 ये पूरा ब्रैकेट में है सॉरी 119/6 आएगा कितना आया तुम्हारा 119/6 ओके अब चेक कर लेते हैं तो ये माइनस अंदर क्या आ गया 15 प्लस 2/3 इसको अब हम बाहर करेंगे तो ये दोनों के लिए माइनस हो जाएगा माइनस पर इसमें माइनस होता है ना 18 प्लस 5/6 माइनस 15 माइनस 2/3 ऐसे आएगा इज इक्वल टू क्या हो गया ये 18 और माइनस 15 कितना हो गया 3 18 माइनस 15 3 होता है ना थ्री और क्या बचा प्लस 5/6 माइनस 2/3 प्लस 5/6 माइनस 2/3 ये मैं नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूँ ठीक है 3 प्लस 5/6 माइनस 2/3 3 प्लस 5/6 माइनस 2/3 है ना इज इक्वल टू अब पहले इनको हम प्लस करते हैं यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा 6 ऊपर क्या आ जाएगा ये 3/1 है ना 1 6 जा मीन्स 6 3 18 प्लस 6 1 जा मीन्स 5 1 5 माइनस 2/3 इसको ऐसे लिख दो इज इक्वल टू 18 प्लस 5 कितना हो गया 23/6 माइनस 2/3 इज इक्वल टू एलसीएम विल बी 6
ones are means 23 minus 3 twos are means 4 is equal to 19 by 6 है ना. ओके ठीक है, समझ में आया कैसे करना है. ओके इसको मैं क्लियर कर रहा हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. अ बुक हैज 216 पेजेस. ठीक है. ओके इफ 3/4 ऑफ द बुक इज रेड. How much is left? ठीक है. तो क्या करेंगे देखो, पहले क्या लिखेंगे, टोटल पेजेस कितना है 216. ठीक है. नाउ पेजेस रेड इज इक्वल टू 3/4 ऑफ द बुक है, मतलब ऑफ द 216 है ना, इज इक्वल टू कितना हो गया ये 4 5s are 20 एंड 4 4s are 16 मीन्स 3 into 54 इज इक्वल टू 2 1 carry over 162. दिस मच पेजेस हैज बीन रेड है ना, तो कितना बच गया पेजेस लेफ्ट इज इक्वल टू 216 माइनस number of pages that has been read that is 162 is equal to 216 minus 162 kitna hoga 54 kitna hoga nimisha kya 216 minus 162 54. तो ये आंसर समझ में आया कैसे करना है. हाँ. निमिषा तुम्हें समझ में आ गया. हाँ. ओके अब दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं मैं. अ रोप ऑफ लेंथ  9 3/4 मीटर इज कट इनटू 6 पीसेस. ठीक है, 6 pieces of equal length. ठीक है, फाइंड लेंथ ऑफ ईच पीस. इसको कैसे करना है पता है. हाँ. ठीक है ध्रुव, तुम्हें समझ में आया कैसे करना है. देखो एक ये रोप है. ठीक है, रोप ऑफ लेंथ कितना है टोटल 9 3/4 मीटर है ना. हाँ. ये रोप है, इसका पूरा लेंथ 9 3/4 मीटर है. ठीक है. ओके या फिर हम क्या लिख सकते हैं 9 4s are 36 plus 3 39/4 है ना, ऐसे लिख सकते हैं सिंपलीफाई करके. ठीक है. हाँ. इस रोप इज कट इन 6 पीसेस. कितने पीसेस में कट गया, 6 पीसेस में, 1 2 3 4 5 टोटल पीसेस कितने हो गए, एक ये पोर्शन है, 2 3 4 5 6 6 पीसेस हो गए. हाँ. 6 पीसेस में कट कर दिया है ना, तो इस पीस का कितना होगा लेंथ, ये लेंथ कितना होगा है ना. हाँ. इस केस में हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ हमारा कितना है 39/4 इनटू करेंगे तो फिर तो ज्यादा हो जाएगा ना, हमें तो कम करना है ना, तो डिवाइड करना पड़ेगा ना. देखो अगर लेंथ 5 मीटर है मान लो, ठीक है, और हमने 5 पार्ट्स में कट कर दिया. ठीक है, तो एक कितना हो जाएगा, 1 मीटर का हो जाएगा ये ईच पीस. अगर 5 मीटर लेंथ है रोप का और हमने उसको 5 पीसेस में डिवाइड कर दिया तो कितना 1 मीटर का हो जाएगा ना, 5 पार्ट. तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 5/1. ऐसे यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 39/4 डिवाइडेड बाय 6. ठीक है, क्योंकि हमें आंसर कम आना चाहिए ना, टोटल जो है उसको हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ईच पार्ट का जो आंसर आएगा वो तो कम हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करने से ज्यादा हो जा रहा है ना.
तो लॉजिक लगाना है, ठीक है, कि कैसे हो सकता है। तो 39 बाई 4 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 39 बाई 4 डिवाइडेड बाई 6 यानी 6 बाई 1, तो इसको इनटू करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, इनटू 1 बाई 6 है ना, इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यहां हो जाएगा 3 2 जा, है ना, तो 13 बाई 8 है ना, इतना मीटर ये यूनिट भी लिखना है ना, तो ईच पीस का लेंथ हो गया 13 बाई 8 मीटर, है ना। तो यही हमें सोचना है ना, अगर हमारा ये बोलता है कि ए रोप ऑफ लेंथ 6 मीटर, ठीक है, ए रोप ऑफ लेंथ 6 मीटर, ठीक है, अनदर रोप ऑफ 20 मीटर इज एडेड, है ना, अगर ऐड करते हैं टोटल कितना हो जाएगा, 26 मीटर हो जाएगा, है ना, एक 6 मीटर का है उसमें 20 मीटर और ऐड कर देंगे तो टोटल 26 मीटर हो गया ना। तो हमें ये खुद सोचना है कि ज्यादा आएगा या कम आएगा, है ना, उसमें ऐड करना है सबट्रैक्ट करना है, तो एक फिगर्स बना के थोड़ा रेफरेंस लेना, थोड़ा दिमाग में आएगा कि है ना क्या करना चाहिए मुझे, ठीक है। तो इसके सारे प्रैक्टिस करना, बाकी अब हम जा रहे हैं डेसिमल्स पे, ठीक है, डेसिमल्स। एक बार प्रीवियस पेज कर सकते हैं, वो लिख रहा था, लिख लो कौन सा, ये वाला, हाँ ओके लिख लो, ओके। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, डेसिमल्स, ठीक है, नेक्स्ट पेज डेसिमल्स। डेसिमल्स पहले भी पता लगा, पॉइंट जहां भी होता है डेसिमल्स में आता है ना, जैसे 2.4 ये सब क्या है, डेसिमल्स वाले नंबर है ना, डेसिमल नंबर है ना, 3.2 है ना, ये समझ में क्या यूज हो रहा है, डेसिमल नंबर यूज हो रहा है ना, यहाँ डॉट यूज हो रहा है, मतलब डेसिमल्स में आ गया, ठीक है। अब जैसे कोई क्वेश्चन है, कन्वर्ट द डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शन, 0.5 है इसको फ्रैक्शन में करो, टू फ्रैक्शन, क्या होगा इसका आंसर, 5/10, ठीक है, 5/10 आया। अब जब भी क्वेश्चन आता है तो इसको सिंप्लीफाई भी कर दिया करो, 5 1 5 2 इज इक्वल टू 1/2, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अगर है 0.225 इसका क्या होगा, करो इसका 0.225 को करो, 0.225 इन फ्रैक्शन, डन, ओके, वेट, नाइन बाय टेन, देखो 225 डिवाइडेड बाई नीचे कितना आएगा, कितने जीरोस आएंगे यहाँ पे, दो, थ्री, नहीं थ्री आएंगे, देखो जब हम 0.5 लिखते हैं तो ये 1/2 होता है ना, तो जैसे हमारा एक पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटू फाइव कर दो, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, ये आ गया 5/10, यानी कि यहाँ पे कितना जीरो आया, एक आया ना, तो डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतना ही नीचे जीरो आता है, ठीक है, यहाँ पे कितने डिजिट है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है ना, तो नीचे 3 जीरो आएंगे, ठीक है, बहुत सिंपल है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, है ना, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स है उतना नीचे जीरो आएगा, ठीक है, ओके। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इज इक्वल टू, ठीक है, अब इसको हम करते हैं 5 से, 5 2 0 0, 5 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
ठीक है ध्रुव, समझ में आ गया? क्लियर करूं? नो नो लिखो नाउ क्वेश्चन देखो एक्सप्रेस, ठीक है एक्सप्रेस इन रुपीज, ठीक है एक्सप्रेस इन रुपीज, अगर 937 पैसे है, ठीक है पैसे, तो हाउ मच इट विल बी इन रुपीज,
ठीक है। हाउ मच रुपीज इट इज, तुम रुपीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो 100 पैसे, ठीक है, 100 पैसे इज इक्वल टू हाउ मच रुपीज? 937/100। हाँ ठीक है, पहले बताओ 100 पैसे इज इक्वल टू हाउ मच रुपीज? 1 रुपी। ट्रू, 1 रुपी है ना, 1 रुपी मीन्स 1 पैसे इज इक्वल टू हाउ मच रुपीज? 1/100। देन 937 पैसे इज इक्वल टू हाउ मच रुपीज? 1/937 और इसको डेसिमल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 9.37 रुपीज, क्योंकि नीचे 2 जीरो है, मींस 2 के बाद डेसिमल आ जाएगा, है ना, 9.37 रुपीज। समझ में आया ये? हाँ। क्लियर लिखना है या मैं क्लियर करूं? नहीं, मैं एक मिनट में लिख सकता। लिख लो। वैसे मैं तुम्हें इसका रिकॉर्डिंग भी फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है? एक मैंने व्हाट्सएप किया था, मिला था? हाँ मिला था। हाँ तो उसका रिकॉर्डिंग भी देख लेना अगर कभी भी देखना है तो, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग उसका रिकॉर्ड करके भेज दूंगा, ठीक है? ओके। बट लिखना भी है, इसको लिख लिया पूरा? हाँ लिख लिया। ओके नेक्स्ट जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अगर हमारा है 1000 पैसे, 1000 पैसे इज इक्वल टू हाउ मच रुपीज? ये करो, नहीं आया, नहीं आया। देखो हमने क्या किया था, जब भी हमें पैसे को रुपीस में करना है तो हमें डिवाइडेड बाय क्या करना है? 100। ठीक है, देखो जैसे 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी कैसे आया? 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी होता है ना, ये तो पता है। हाँ। तो 100 पैसे को 1 रुपी में हमने कैसे लाया? 100/100 किया, ठीक है, क्या आ गया? इज इक्वल टू 1 आ गया, है ना। तो जब भी हमें पैसे को रुपीस में करना है तो हमें डिवाइडेड बाई 100 करना है, ठीक है। तो अगर हम 1000/100 करेंगे इज इक्वल टू, तो क्या होगा? 100 × 10 = 1000, है ना, तो आंसर 10 आया, 10 रुपीज। समझ में आया इसका मतलब? जब भी तुम पैसे को रुपीज में करोगे तो किससे डिवाइड करोगे? क्या क्या, अगर पैसे दिए हुए हैं तुम्हें रुपीस में कन्वर्ट करना है तो हम किससे डिवाइड करेंगे उसको? 100 से, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 30,100 पैसे इज इक्वल टू हाउ मच रुपीस? ये नंबर की जैसे 301100 है। हाँ, इसको डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम लोग नीचे? 100, ठीक है। नाउ 100 इनटू हाउ मच विल बी 30100? 100 × 301 3 है ना। किसी भी नंबर को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे 2 जीरो ऐड हो जाता है बस ना। हाँ। जैसे कि 10 × 100 है, 10 × 100 विल बी 1000, है ना। 302 × 100 विल बी 302 एंड 2 जीरो ऐड हो जाएगा, है ना, ऐसे होता है ना। और या फिर ऐसे भी कर सकते हो, 30100 डिवाइडेड बाय अगर 100 है तो 2 जीरो हमारे अगर कॉमन है तो लास्ट में कट हो जाता है, ठीक है, इज इक्वल टू सीधे 301 आ जाएगा, है ना। या फिर तुम देखो क्या लिख सकते हो, 301/1 × 100/100 ऐसे भी लिख सकते हो इसको। अगर 301/100 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 301/1 × 100/100 है ना। तो 100/100 1 होता है, है ना, 100/100 इज 1, है ना। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 301 आ गया, है ना। तो एक और दे रहा हूं मैं, 32140 पैसे, ठीक है। तो इसको समझो कैसे करेंगे, मैं बता रहा हूं।
32140 डिवाइडेड बाई 100, सिंपल है ना, इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसको हम क्या लिखते हैं, 3214 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 बाई 10 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। 10 इंटू 10 नीचे 100 होता है, ऊपर भी एक जीरो है, 3140 आ जाएगा, है ना। ये 10 ones आ, ये 10 ones आ, ये तो हो गया। नाउ जो जीरो है, अगर 10 है तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा ऊपर, 3214 तो बताया था ना, 3214 इज इक्वल टू क्या होता है, 3214 बाई 10, क्योंकि एक डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो हमने नीचे एक जीरो लगा दिया। समझ में आ रहा है? हाँ। ये भी लिख लो, इसको समझना, जो भी डाउट है फिर पूछना, ठीक है। हाँ, लिख लिया। लिख लिया, ओके। नाउ मल्टीप्लाई करो 0.47 इंटू 5.3, इसको करके देखो ये होता है। देखो टाइम खत्म हो रहा है, मैं बता रहा हूँ, देखो क्या लिखेंगे, 0.47 को क्या लिखेंगे, 47/100, ठीक है। ये समझ में आया ध्रुव? 0.47 को 47/100 लिख सकते हैं, 5.3 को 53/10 लिख सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू 47 इंटू 53 बाई 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1000, है ना। इज इक्वल टू, नाउ 47 इंटू 53 करो, 47 इंटू 53 कर सकते हो, कितना हो जाएगा, 7 3 21, 2 कैरी ओवर, 4 3 12, 14, 5 7 35, 3 कैरी ओवर, 5 4 20 प्लस 3 23, 1942, 2491 डिवाइडेड बाय 1000, ओके। नाउ देयर आर 3 जीरोस, इसलिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आने चाहिए, है ना, 2.491 ये आंसर आ गया, ठीक है। तो बाकी हम कल करेंगे, इसको लिख लो, ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करना। और अभी 8 o'clock से मैंने क्विज दिया है, ठीक है, ऐप पे जाओगे तो ऑनगोइंग क्विज में दिखा रहा होगा, ठीक है। हाँ। तो उसको करना, ठीक है, वो इंटीजर्स पे होगा, ठीक है, प्रैक्टिस करना, और जो जो नहीं होता है वो बाद में डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। ओके। कैसे करोगे क्विज में, कैसे जाओगे, ऐप में जाओगे, ऐप में ऑनगोइंग क्विज, ठीक है, ऑनगोइंग क्विज, ओके, ऑनगोइंग क्विज में वो 8 to 9 है, ठीक है, 8 o'clock टू 9 o'clock तक, ठीक है, ओके। कुछ डाउट होगा लास्ट में कल डिस्कस करेंगे वो, ठीक है, आज क्विज कर दो, ठीक है, ओके निमिषा, ठीक है, एंड करें, ओके ओके, बाय 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 बाय।